बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ ज़ैन, आप देख रहे हैं कुकिंग विद ज़ैन। आज मैं आपके साथ बहुत शानदार किस्म की तवा पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगा। ये पिज़्ज़ा हम सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट में तवे पर बेक करेंगे। ये पिज़्ज़ा तवे पर बहुत आसानी से और बहुत ही ज़बरदस्त बेक होगा। इसका टेस्ट इंतहाई शानदार होगा। इस रेसिपी को मुकम्मल देखने के बाद आपको बाज़ार से पिज़्ज़े लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब आते हैं हम ज़बरदस्ती रेसिपी की तरफ। ये हमारे पास 1 कप मैदा है, हम 1.25 कप मैदे का लेंगे, तकरीबन 200 ग्राम ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम छान लेंगे, ये हम इसको ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, 1/2 कप से भी कम। साथ ही हम इसमें ये 1/4 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। ये 1/2 टेबल स्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, पीसी हुई शुगर है ये हम इसमें ऐड करेंगे। 2 चम्मच हम इसमें दूध के ऐड करेंगे, ज़्यादा आपने नहीं ऐड करना, सिर्फ 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें ऑयल या घी ये शामिल करेंगे। ये हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ये ईस्ट ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो बनाने की तो आप इसमें 1 टेबल स्पून भी ईस्ट ऐड कर सकते हैं। ये हम इसको अब गूंद लेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से मलते हुए बहुत अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से मल लेना है। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने एक बार स्मूथ कर लेना है कि बिल्कुल ये मलाई जैसा हो जाए। इसके बाद हमने इसको ये इस तरीके से ये इतनी देर हमने इसको गूंदना है कि ये हमारे हाथों से चिपकना बंद हो जाए। ये इसका हम पेड़ा बना के इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक ये हमारी डो प्रूफ नहीं हो जाएगी, इसको छोड़ देंगे। ये हमारे पास एक 10 इंच वाला पैन है, इसको हम अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। किनारों में भी आप अच्छे तरीके से ऑयल लगा लें, इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। ये डो हमारी ये देखें प्रूव हो चुकी है, ये फूल चुकी है अच्छे से। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये फूल चुकी है, तकरीबन ये 15 मिनट में फूल चुकी है। ईस्ट आपने हमेशा फ्रेश यूज़ करनी है। ये हम इसको इस तरीके से बेल लेंगे। बिल्कुल आपने सारे किनारे बराबर इसके कर लेने हैं, फिर ये एक जैसा बिल्कुल आपके पैन में पकेगा। ये देखें हमारा पिज़्ज़ा बिल चुका है, ये अब हम इसको पैन में लगा लेंगे। पैन में आपने इसको हाथ की मदद से इस तरह किनारों के साथ सेट कर लेना है ताकि ये पूरा बराबर गोल हो जाए। अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से प्रूव हो जाए। अब हम चिकन रेडी करेंगे। ये हम पैन में थोड़ा सा घी ले लेंगे, ज़्यादा आपने घी नहीं लेना। साथ ही हम इसमें एक मीडियम प्याज हमने ये कट करके रखा हुआ है ये ले लेंगे और इसको फ्राई करेंगे। प्याज को कलर आना शुरू हो चुका है, इसको हमने ज़्यादा कलर नहीं आने देना। ये मेरे पास 1 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये हम शामिल करेंगे। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे ताकि ये ना प्याज हमारा ना जले। इसको हमने सॉफ्ट करना है, ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है। अब हम साथ ही इसमें ये मेरे पास 150 ग्राम फ्रेड किया हुआ चिकन है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बॉइल करके हमने इसको श्रेड कर लिया था, फ्लेम को हम लो कर लेंगे। ये बहुत क्विक बहुत जल्दी से ये चिकन रेडी हो जाता है और बहुत मज़ेदार होता है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच मैं इसमें नमक का ऐड करूँगा, चिकन में हमने बॉईल करते टाइम नमक ऐड नहीं किया था। 1/2 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर का ऐड करूँगा, 1/2 चम्मच मैं इसमें जीरा धनिया पाउडर का ऐड करूँगा, 1/4 चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगा और इसको हम अच्छे तरीके से फिर से पकने देंगे। इसको अच्छे तरीके से लो आंच पे फ्राई कर लेंगे। जब ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा पानी शामिल कर लेंगे। ये हम इसमें 1/2 कप तकरीबन केचप ऐड करेंगे, चिली केचप या केचप कोई भी ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। साथ ही हम इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे।
ये स्पाइस हमारी पूरी हो चुकी है। इसको हम एक दो मिनट पकाने के बाद चूल्हे को बंद कर लेंगे। हमारा चिकन रेडी हो चुका है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये अब हम ये हमारी डो देखें कैसे माशाल्लाह जबरदस्त प्रूव हो चुकी है। अब हम इसकी किनारे सेट करके इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। ये सॉस की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी, ऊपर भी इसका लिंक आ रहा होगा और ये वीडियो के एंड में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपके पास सॉस ना हो तो आप चिली केचप में ओरिगानो ऐड करके वो भी सॉस की जगह यूज़ कर सकते हैं। इस तरीका से हम पिज्जे के किनारे बनाएंगे। ये देखें ये किनारे माशाल्लाह ज़बरदस्त बन चुके हैं। अब हम इसके ऊपर सारे के ऊपर किनारे छोड़कर सॉस लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने सॉस नहीं लगानी, नॉर्मल सी सॉस लगानी है वरना हमारा चिकन ऊपर से अलहदा होने लग जाएगा। इसके बाद हमने इसमें सुराख कर लेने हैं। आप कांटे से भी सुराख कर सकते हैं, ये मैं चम्मच से इसमें सुराख कर लूँगा। ये सुराख करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर ये सुराख नहीं करेंगे तो हमारे पिज्ज़े में बबल्स बन जाएंगे। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने चिकन रेडी किया था ये लगाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त इस चिकन का टेस्ट होता है और ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। इसके ऊपर ये हमने थोड़ा थोड़ा चिकन, ये नीचे चिकन लगा लिया। अब हम इसके ऊपर ये चीज़ लगाएंगे। ये आपने किनारे बचा के लगानी है चीज़, अगर किनारों में चली जाए चीज़ तो फिर वो पिज़्ज़ा निकालने में भी मुश्किल होती है और पिज़्ज़ा अच्छा भी नहीं लगता। ये मेरे पास चेडर और मोज़रेला मिक्स चीज़ है जो कि मैं इस टाइम ये फैसलाबाद में 1400 रुपये के जी क्रश चीज़ ले रहा हूँ। आप भी अपने इलाके का रेट मुझे लाजमी बताएं कि आप कमेंट में कि आपके इलाका में इस टाइम चीज़ का क्या रेट चल रहा है। ये हम इसके ऊपर चीज़ लगा लेंगे। हम इसकी शिमला से और टमाटरों से गार्निशिंग करेंगे। आप इसके ऊपर ब्लैक ओलिव भी ऐड कर सकते हैं। ये हम घर की चीज़ों से, बहुत कम चीज़ों से पिज़्ज़ा बना रहे हैं इसलिए हम ये सिर्फ दो चीज़ें ऐड करेंगे। ये इस तरीका से हम ये इसके स्लाइस छोटी छोटी जूलियन में कट करके ये सारी इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ये हम पिज़्ज़ा बना लेंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी तरीका से हम ये टमाटर कट कर लेंगे। ये सिर्फ मुझे इसको आटा गूंदे हुए 20 मिनट हुए हैं और हम ये पिज़्ज़ा रेडी करने जा रहे हैं। अगर आपकी ईस्ट अच्छी होगी तो आपको पिज़्ज़ा बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये इस तरीके से हम टमाटर भी जूलियन कट कर लेंगे। ये भी हम इसी तरीका से सारे शिमला के बीच में ये लगा लेंगे। माशाल्लाह अभी से देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। इस चिकन की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, ये ज़रूरी नहीं है ऐड करें, ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो ये मैं खूबसूरती के लिए ये भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये ऊपर गार्निशिंग इसे करेंगे। इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी। ये अब हम इसकी साइड पे ये इस तरीका से किनारे पे अंडा लगा लेंगे, इसलिए कि हम इसको तवे पर पकाएंगे तो ये किनारों से अच्छे तरीके से इसको ऊपर से कलर नहीं आएगा, तो हम इसके ऊपर अंडा लगा देंगे, इससे ये इसका कलर बहुत ज़बरदस्त पक जाएगा साइड से। ये देखें अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का ये ओरिगानो ये छिड़क लेंगे, इससे किनारे की लुक बहुत ज़बरदस्त और बड़ी शानदार सी आ जाएगी। ये अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा ओरिगानो छिड़क लेंगे। ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। एक तवी है, हम बिल्कुल लो आंच पे इस पिज़्ज़े को बेक करेंगे। इसमें आप इसको छोटे तवे पर भी बेक कर सकते हैं अगर आपका पैन छोटा होगा। मेरे पैन का किनारा भी ऊंचा है और मेरा पैन साइज में भी बड़ा है, 10 इंच का मेरा पैन है, इसलिए इसको मैं ये बड़े तवे पर इसको बेक करूँगा। ये इस तरीका से हम इसको रख के बिल्कुल लो आंच पे इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ये इस तरीका से हम इसको कवर कर देंगे। साइड्स बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ये देखें ये किनारे बिल्कुल नीचे से बंद हैं। अगर ये बंद होंगे तो फिर ही ये स्टीम में पकेगा। और ये देखें ये हमने इसके ऊपर वेट रख दिया ताकि ये अच्छे तरीके से बेक हो जाए। ये अब हमें सिर्फ 4 से 5 मिनट हुए हैं नॉर्मल हीट पर हम इसको बेक कर रहे थे।
अब हम इसको चेक कर लेंगे कि ये कहां तक पहुंच चुका है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हो चुका है ये देखिए चीज इसकी मेल्ट हो चुकी है। ये हम इसको किनारों से देख लेंगे, ये देखें ये नीचे से भी अच्छे तरीके से ये पक चुका है। ये ऊपर से इसकी कसर है, चीज में कलर नहीं आया। चीज में कलर लाने के लिए हम इसके ऊपर एक तवा हमने अच्छे तरीके से गर्म करके इसके ऊपर रखेंगे, दो तीन बार हम गर्म करके रखेंगे, उससे ये बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर से कलर आ जाएगा। ये देखें हमने फुल गर्म हमारा इस टाइम तवा है, इसके ऊपर हम इसको एक मिनट के लिए रखेंगे, फिर हम इसको दोबारा गर्म करके फिर इसके ऊपर रखेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने दो तवे रखे हुए हैं, एक हमारा तवा फुल गर्म हो जाएगा तो हम इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह हमने इसको दो से तीन बार रखना है तकरीबन तीन मिनट के लिए, तो ये हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छे तरीके से बेक हो जाएगा। इसके नीचे हमने फ्लेम को ऑन करके तवे को फुल गर्म कर लेना है। ये हमने इसके ऊपर पिज़्ज़े के ऊपर तवा रखा हुआ है, अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा पिज़्ज़ा कहाँ तक पहुँच चुका है और इसको कितना कलर आ चुका है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारे पिज़्ज़े को कलर आ चुका है, बहुत शानदार बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसको ये कलर आ चुका है, इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह ये देखें बेहतरीन हमारा ऊपर नीचे से ज़बरदस्त तवा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको इसकी आपको कटिंग करके दिखाऊँगा कि ये किस तरह का बना है। ये देखें इंतहाई शानदार और ये बहुत मज़ेदार होगा। आप रेसिपी मुकम्मल फॉलो करें, इंशाल्लाह आप ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा बनाना सीख जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।